गुड इवनिंग साथियों, आज आप लोगों का TET जीव विज्ञान का पेपर था और मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। पेपर मेरे हाथ में है, मैं इसकी की अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, मेरे पास जो ये पेपर है, मैंने अभी इसकी PDF डाउनलोड करके इसको निकाला है, तो वो है ए सीरीज का। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ दी वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीसीज। बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक् तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी होता है। तो सभी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए का डी होगा, जिसको हम कहेंगे एक्सपायर्ड एयर। ये इसी तरह से दूसरा हम देखें, दूसरे क्वेश्चन को देखें, इन प्रोकैरियोट्स आप दी फॉलोइंग विच इज एबसेंट। देखिए ये तो आप जानते ही हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता और किसी भी प्रकार के ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो एब्सेंस की बात करेगा तो दो का भी डी हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी बात ये कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रेजर्ट। किसी भी ऑर्गेनिज के बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाएं प्रिजर्व होती हैं किस प्रकार के फॉसिल्स से। पेट्रिफिकेशन, स्यूडो फॉसिल्स, कंप्रेशन एंड इनक्रस्टेशन। तो यहाँ पर आप ये देखिए, तो ये होता है पेट्रिफिकेशन, तीन का ए जो कि पेट्रिफिकेशन होगा, ठीक है, पेट्रिफिकेशन के द्वारा। फिर इन ओबिलिया, यहाँ पर ओबिलिया देखिए, पिछले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था और बिल्कुल उसी तरह से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है कि पेरिसार किसमें नहीं पाया जाता है, ओबिलिया में किस कौन नहीं कवर्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथे का सी हो जाएगा, जिसको हम मेडुसा कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ओबिलिया में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप अवस्था में ये कंडीशन पेरिसार की पाई जाएगी और मेडुसा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है, इन दी गैस्ट्रुएशन प्रोसेस ऑफ दी एम्फियाक्सस विच ऑर्गेनोजेंसिस अकर्स फ्राम दी फॉलोइंग। देखिए ऑर्गेनोजेंसिस के दौरान आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनोजेंसिस का मतलब, यहाँ पर आप देखिए गैस्ट्रुएशन के बाद ऑर्गेनोजेंसिस की प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन, नोटोजेनेसिस, मीजोजेनेसिस एंड सिलोम। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फिफ्थ का यहाँ पर डी हो जाएगा। अब इसके बाद सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लें, छठा क्वेश्चन, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बी होगा, थियोब्रोमा कोका, यहाँ पर ऑप्शन बी थियोब्रोमा कोका ये। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सातवां क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलागस स्ट्रक्चर। ये देखिए जैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हो, हाँ, स्ट्रक्चर सजेस्टेड द अकरेंस ऑफ। तो यहाँ पर समझा संरचनाओं के अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें आठवां क्वेश्चन, एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन, ये एल्गी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्राउन एल्गी में ये पाया जाता है, सेल वाल ऑफ ब्राउन एल्गी मेनली प्राइमरी और मिडिल लैमिला में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, सेल वाल ऑफ द ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी, सेल वाल
ऑफ ब्राउन एल्गी, ये ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन की हम बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये दिया है कि यहाँ पर डॉट डॉट दिया है इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, ऑल प्लांट्स में ऑलमोस्ट नहीं पाया जाता, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जानते ही हैं पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रियोल की बात किया है तो सेंट्रियोल जैसे एल्गी, फंजाई और कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता, ये एनिमल का करेक्टर होता है, इसलिए नाइन का ए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रियोल। फिर यहाँ पर दसवां फैसियोला अटैच टू द लीवर बाई, यहाँ पे देखिए फैसियोला पैरासाइट है, फिर से एक बार यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें फोर सकर्स पाए जाते हैं, चार सकर पाए जाते हैं। स्पोर साइक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाई, देखिए फ्यूनेरिया में जो स्पोर साइक है, ठीक है, यहाँ पर स्पोर साइक अर्थात फ्यूनेरिया में ये जो ये स्पोर साइक है, ये इसकी बात कर रहा है स्पोर साइक की, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि ये किसके द्वारा स्पोर साइक का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि देखिए कंडीशन यहाँ पे दोनों है, लेकिन ऑप्शन एक दिया हुआ है स्पोर साइक को कहा है, इनर वाल और आउटर वाल ये अलग अलग डेवलप होती है, यहाँ पर मैंने क्लास के दौरान बताया भी था। तो यहाँ पर अब बोर्ड क्या मान सकता है, एम्फीथीसियम माने इंडोथीसियम, अगर ये इनर और आउटर की बात करता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि एम्फीथीसियम की बात करते हैं एम्फीथीसियम। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्वेल्थ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन शुगर केन इज, शुगर केन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, तो शुगर केन की जब बात आ जाती है तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ये C4 प्लांट की बात कर रहा है, और C4 प्लांट की जब बात करेंगे तो C4 साइकिल की जब हम बात करते हैं तो C4 साइकिल की बात करेंगे तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनाल पाइरूविक एसिड होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर अब हम लोग देखें 13 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर्स आर्गन इन यूनियो, यूनियो में ये पूछा है कि ये क्या आर्गन, आर्गन ऑफ बोजानस एंड केबर्स, ये आप जानते हैं कि ये होता है एस्क्रेटरी आर्गन। फिर से एक बार यूनियो का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा और ऑप्शन यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा लिटमस, ये जानते ही हैं बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, लिटमस इज ऑब्टेंड फ्रॉम लाइकेन से प्राप्त होता है, ये आप जान गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच, मतलब हिरुडेनेरिया में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बात कह रहा है। अब देखिए अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर इसके दो ऑप्शन से आप निकाल सकेंगे, देखिए एक तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आपको दिक्कत होगी, ए में दिया है इट्स मेडिकल यूज इन इंडियन डेट बैक टू अराउंड 1000 BC, दूसरा दिया इट सक्स ब्लड फ्रॉम फिश फ्रॉग कैटल एंड ह्यूमन वर्टिब्रेट का ये पैरासाइट होता ही है, तो एक यहाँ पर इससे आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जैसे मान लीजिए डाइजेशन ऑफ द ब्लड टेक्स 10 to 12 months, अगर 14 months अगर ये बात आपको नहीं पता है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड, तो बॉडी कैविटी यहाँ रिड्यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि चैनल में केवल 4 channels में यहाँ पर ये रिड्यूज इतनी ज़्यादा हो जाती है, हीमोसिलोमिक चैनल यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी नहीं होगी, यहाँ पर लेस डेवलप्ड बॉडी कैविटी होगी, इसलिए यहाँ पर 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा डी।
15 का डी बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड, ये नहीं, चूंकि नॉट कहा है तो वेल डेवलप्ड नहीं होती है। फिर 16वें का अगर हम देखें, इन यूरोमेटिस वाई शेप्ड चेवरान बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा, तो ये भी बात हमने वीडियो में डिस्कस किया है, ये हो जाएगा कॉडल वर्टिब्रा में, और ये ऑप्शन ए होगा। फिर इसी तरह से 17 को हम देखें, ये मॉडिफाइड प्रोटो स्टील, देखिए यहाँ पर, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज किए होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से हो सकता है कि ना पढ़े हों, ये मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज, ये कह रहा है सेंट्रल पिथ, सेंट्रल पिथ अर्थात स्टील दो प्रकार का होता है, एक प्रोटो स्टील और एक साइफनो स्टील, जिसमें पिथ ना पाया जाए उसको हम प्रोटो स्टील कहते हैं, और जिसमें पिथ पाया जाता है तो वो मॉडिफाइड रूप हो गया, उसको हम कहते हैं साइफनो स्टील, इसलिए 17 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, साइफनो स्टील, पिथ यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 18 का, प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक्स, देखिए यहाँ पर ज़्यादा सही क्वेश्चन ए होगा, डी एमिनो एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद 19 को हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ये बात आप जानते हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। फिर 20, ये ड्वार्फ सूट विथ टू निडिल इज फाउंड इन, ये मैंने आपको डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म में, देखिए पाइनस जिराडियाना में 3 पाया जाता है, पाइनस लांगीफोलिया, पाइनस मोनोफाइला, नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें 1 पाया जाएगा, और यहाँ 2 की बात कर रहा है, इसलिए बचता है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 21 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फियाक्सस, एम्फियाक्सस की रिकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, नोटोकार्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, ये तो आप जानते ही हैं, नर्व कार्ड हमेशा, ये जानते हैं, डार्सल होता है टू नोटोकार्ड के होता है, ये तो करेक्टर ही है ना कार्डेटा का। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, ब्रेन एब्सेंट, ये सही है, वेरी लिटिल सिफिलाइजेशन, यहाँ पर कह रहा है कि नॉट ट्रू, वेरी लिटिल सिफिलाइजेशन, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, तो 21 का यहाँ सी हो जाएगा, याद रखिएगा ब्रेन एब्सेंट वेरी लिटिल सिफिलाइजेशन। 22 ऑफ द फॉलोइंग हु क्वाइन द वर्ड हार्मोन, ये तो आप जानते हैं स्टारलिंग का है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, स्टारलिंग का हार्मोन का। विच वुड इज यूज इन मेकिंग रेलवे स्लीपर, विच वुड मेनली यूज रेलवे स्लीपर, यहाँ पर 23 का, यहाँ पे देखिए बहुत सटीक इसमें आंसर जो होगा सोरिया रोबस्टा हो सकता है साल का, तो ए हो सकता है, बाकी यहाँ पर आल भी दे सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ये हो सकता है। 24 इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ विल बी, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ लॉकडाउन जब इतना लग गया था तो आप समझिए कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कितना कम हो गया, इसी के अकॉर्डिंग आप ये समझिए कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एज कोल्ड एज मून। फिर यहाँ पर 25, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व, अभी कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था एल्गी पर, और उसमें मैंने ये बात वहाँ पर डिस्कस किया था, फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड किसका होता है, रोडोफाइसी का, और यहाँ पर ये आपका आंसर होगा,
25 का डी जिसको हम कहते हैं रेड एल्गी या रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के मेंबर्स में। न्यूक्लियोलस इज द साइट, ये तो सिंपल है, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है, राइबोसोमल आरएनए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। फिर इसके बाद 27 को हम देखें, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, जानते हैं दो होस्ट पर कंप्लीट होती है, टीनिया की स्नेल है, और सॉरी स्नेल कह रहे हैं, टीनिया पूछ रहा है, टीनिया की लाइफ साइकिल मनुष्य और पिग सुअर पर डाइजेनेटिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहां पर बी डाइजेनेटिक। 28 यहां पे देखें, मोस्ट कॉमन माइकोबियंट इन लाइकेन बिलोंग टू, तो यहां पर मोस्ट कॉमन माइकोबियंट, फाइकोबियंट नहीं कहा है, इसलिए हमको ध्यान में रखना है माइकोबियंट का मतलब यहां पर एल्गी के बारे में कहा गया है, सॉरी फंजाई के बारे में कहा गया है, और चार यहाँ पे क्लास है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज। फिर यहाँ पे देखें हम 29, रिस्पायरेटरी क्वोशेंट आरक्यू, तो आप जानते हैं आरक्यू होगा ऑर्गेनिक एसिड का हमेशा मोर देन वन होता है, इसलिए ऑप्शन डी मोर देन वन, ठीक है। फिर 30 को देखें, द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफाइलोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा के अंतर्गत केवल दो जेनरा पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन यहां पर ए होगा, टू जेनरा सिफाइलोकार्डेटा में। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग, ये आप जानते हैं फ्रॉग के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो फ्रॉग के हृदय में 31 का बी है, तीन चैम्बर होता है, दो आर्किल एक वेंट्रिकल, ये तो आप बहुत आराम से बहुत इजी वे में कर लिए होंगे। फिर इसके बाद 32 की बात हम करें, क्रैनियल नर्व फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द कैरिनल कैनाल, कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इक्विसिटम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप इसको पढ़ाया भी है, बताया भी है, दो प्रकार के वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल पाए जाते हैं, वेलिकुलर कैनाल कार्टेक्स रीजन में कैरिनल कैनाल पाया जाता है, प्रोटोजाइलम से डेवलप होता है, ये बात मैंने बताई है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ऑप्शन ए होगा, जिसको हम प्रोटोजाइलम कहेंगे, प्रोटोजाइलम। फिर द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स, ह्यूमन एडल्ट्स में कौन सा एंजाइम, द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन और ट्रिप्सिन, लाइपेज भी पाया जाता है, पेप्सिन भी पाया जाता है, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम रेनिन कहेंगे, ये आंसर होगा। मेंडल किस पर वर्क किए थे, ये आप जानते ही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंबर की बात हम करें, ये देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया था, अंबर इज ए फॉसिल लाइट फ्रॉम, ये रेजिन का फॉसिल्स होता है अंबर, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, हार्डेंड रेजिनस सेक्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद सम टाइम ए सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर कह रहा है कि सम टाइम ए सिंगल जीन कई करेक्टर्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पर 36 का बी मेनी करेक्टर्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 36 का बी। फिर 37 को जरा हम देख लें, द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज, यहाँ पर बी आंसर 21 डेज। फिर 38 को देख लें,
यहाँ पे पूछा गया है कि जो पेय पदार्थ है बीवेयर एल्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज ए मेंबर ऑफ फैमिली रूबिएसी, ये रूबिएसी का मेंबर है 38B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, फिर से एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ओजोन, फिर 40 को देखें, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी, ये देखिए अभी परसों हमने इसको डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट के बारे में, बीजिए ये होगा साइनोफाइटा जिसको कहते हैं, बीजिए या साइनोफाइटा, यहाँ पर आंसर ए सही है। आगे हम 41 में देखें डार्विन की थ्योरी कौन सी है, ठीक है, पेनजेनेसिस बहुत फेमस थ्योरी है डार्विन की, ये 41 पेनजेनेसिस, तो यहाँ पर ए हो जाएगा पेनजेनेसिस थ्योरी, ये डार्विन की है। 42 इन नेरी द ब्लड इज पम्प्ड बाय, देखिए मैंने आपको पहले बताया था जनरल करेक्टर में इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं अगर वहाँ पे हार्ट की बात करता है तो डार्सल हार्ट होता है, और जो वर्टिब्रेट होते हैं अगर हार्ट की बात करता है तो वेंट्रल होता है, तो अगर यहाँ पर वेसल्स हार्ट का काम कर रहा है तो पंपिंग का काम कौन करेगा, डार्सल, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी डार्सल ब्लड वेसल। डिस्ट्रीब्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज वुल्फ मास, ये देखिए 43 का वुल्फ मास, लिथेरिया, ये डी होगा, फिर यहाँ पर देखिए 44 रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडी बाई, ये बहुत फेमस हैं, ये आप जानते हैं इमर्सन का है, इमर्सन। फिर 45 की हम बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज फाइब्रिनोलिटिक, मतलब थ्रोम्बोसिस प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व होता है, थ्रोम्बिन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी जिसको हम कहेंगे थ्रोम्बिन। 46 द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, 46 में हार्डमानिया में अब आप ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड और आर्गन ऑफ बोजानस ये तीनों जानते हैं, अगर वैसे भी हार्डमानिया के बारे में नहीं जानते रहे होंगे तो आप जान जाएंगे कि ये न्यूरल ही होगा, यहाँ पर सी न्यूरल ग्लैंड। फिर 47 को देखें राइजो, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, राइजो फोर होना चाहिए, राइजो स्फीयर लिखा गया है क्वेश्चन में, तो राइजोफोर इज नाइदर ए रूट नॉर ए सूट बट इन ए आर्गन स्वी जेनेरिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, देखिए पीछे जो 31 तारीख को क्वेश्चन हुआ था राइजोफोर के बारे में वहाँ पर भी ये क्वेश्चन किया था कहाँ पे पाया जाता है सेलेजिनेला में, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बावर एंड गोबेल, डी आंसर होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा है तो डी हो गया बावर एंड गोबेल। ये 48 को हम देखें एक बार और ये क्वेश्चन किया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिकॉर्डिंग एंजाइम, तो यहाँ पर देखिए अगर सभी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर आपका डी होगा। 49 पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटी, यहाँ पर डिफिनेशन दिया है 49 कि हेरिडिटी हो जाएगी सी। इन पाइनस पॉलन ग्रेन डेहिसेंस आइट, पॉलन ग्रेन यहाँ पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होता है, मतलब किस अवस्था में वो बाहर आता है, वो कितने सेल्ड होता है, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि 50 का क्वेश्चन अगर हम देखें
फोर सेल्ड तो सी हो जाएगा फोर सेल्ड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद 51 हम देखते हैं, 51 में अब देखिए 51 ये मैच कराया गया है, मैचिंग है, तो इसमें हम अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे पढ़ने के लिए। इसमें 51 का जो मैच करके दिया हुआ है नियोमार पीपी स्टैटिक जीन को डोमिनेंस, अगर इसको मैच करेंगे तो आप इसका ऑप्शन ए पाएंगे, ए यहाँ पर आपके लिए करेक्ट होगा। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द जू जियोग्राफिक रेल्म, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ डाउटफुल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेगा गिया होना चाहिए ऑप्शन ए, ये थोड़ा सा सस्पेंशन है, हम इस पर बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद 53 क्वेश्चन को अगर हम देखें, पेपरमिंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेपरमिंट किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये तो पेपरमिंट मेंथा पुदीना की एक प्रजाति है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी मेंथा पेपरिटा लिखा गया है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। फिर इसके बाद 54 ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलोनिया बिलोंग टू द क्लास 54, ल्यूकोसोलोनिया जानते हैं ये कल्केरिया का मेंबर है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कल्केरिया। 55 सबसे सिंपल ल्यूकोसोलोनिया होता है। इफ द थैलस ऑफ द ऑर्गेनिज इज फंगस इज एंटायरली कवर्ड इनटू आर मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड, जैसे ईस्ट को देख लीजिए उसकी पूरी की पूरी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी गैमिट का काम करने लगती है, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो होलोकार्पिक हो जाएगा होलोकार्पिक। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बता दूँ, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज आप लोग हो सकते हैं कि इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज एग्जाम्पल फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू, फिर यह कहा है आर मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज, है ना, तो ये भी आपके दिमाग में बात आई रही होगी, हो सकता है कि फंगस होगा उसका मोस्ट पार्ट जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, कुछ भाग न इन्वॉल्व हो, तीस अकॉर्डिंग कुछ लोग यूकार्पिक भी लगा दिए होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मोर रिप्रोडक्टिव फीचर में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, बर्डिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है, फिशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर होलोकार्पिक आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे 56 की बात किया है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, वाटसन क्रिक के मॉडल को हम क्या कहते हैं, ये भी ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बी डीएनए कहा जाता है इनके डीएनए को। 57 देखिए ये भी मैंने, हाउ मेनी सेगमेंट्स इन ह्यूडनेरिया ग्रेनुलोसा इज मेड ऑफ, जब लीच में आपको पढ़ाया था वीडियो मेरा भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बताया गया था कि इसमें कुल 33 सेगमेंट होते हैं, 33 सेगमेंट्स, और सभी सेगमेंट्स में क्या विशेषता है वो सारी भी बातें वहाँ पर की गई थी। फिर 58 की बात करते हैं, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर, बिल्कुल ये बहुत रिपीटेड बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हो जाता है एयर पॉल्यूशन, आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर लाइकेन अगर होते हैं तो वो डेड होने लगते हैं, इसलिए एयर पॉल्यूशन के ये इंडिकेटर हो जाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कोई स्पीसीज है इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिशियल एंड अदर इज नाइदर हार्म एंड बेनिफिटेड,
मतलब दो स्पीसीज हैं उनके बीच इंटरैक्शन हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन एक को दूसरे को न तो नुकसान हो रहा है न तो फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कमेंसलिज्म कहेंगे। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 59 को हम देखें, ए हो जाएगा कमेंसलिज्म। 60 क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर इज पायर एंड इंस्पायर्ड, ये नॉर्मल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एयर वॉल्यूम की बात कर रहा है। टाइडल वॉल्यूम होगा यहाँ पर ए, टाइडल वॉल्यूम। फिर यहाँ पे देखें 61 की हम बात करें, स्कालियोडॉन की बात कर रहा है, मेनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, हाउ मेनी पेयर्स, पेयर्स की बात कर रहा है, क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। तो आपको ये पता है कि स्कालियोडॉन फिश में, फ्रॉग में और रेप्टाइल में ये 10 जोड़ी होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं स्कालियोडॉन, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 61 का बी, 10 पेयर्स। फिर 62 को देखें, ए साइफनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप इज कॉल्ड। देखिए स्टील के वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि अगर साइफनो स्टील का मॉडिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लीफ गैप, अगर ओवरलैपिंग लीफ गैप है तो क्या कहेंगे, और नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप है तो यहाँ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप कहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सोलेनो स्टील। यहाँ पर हो जाएगा सी, तिरसठ को हम देखें, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज फाउंड इन दी, देखिए फिर से ये रिपीट कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा ए प्रिकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल। आप वीडियो को देखेंगे, मैंने बताया था एग्जाम के पहले, ए प्रिकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, ए हो जाएगा 64। नोडा फ्रेनवियर, सिंपल सी बात है आप जानते ही हैं, बी आंसर होगा, एग्जाम में पाया जाता है। 65 की बात करें, द अदर नेम ऑफ फेलोजेन इज, अब देखिए हमने पेरीडर्म को बताया था, पेरीडर्म की बात मैंने बताया था, तो वहाँ पर पेरीडर्म का फॉर्मेशन कार्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कार्क कैम्बियम से होता है, और कार्क कैम्बियम को फेलोजेन कहा जाता है। तो यहाँ फेलोजेन की बात कहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्क कैम्बियम, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं कार्क कैम्बियम। ये 65 का एक कार्क कैम्बियम। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर फीडर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ है, एस्टेरियाज, ये होता है कार्नियोरस डी, बाकी सभी फिल्टर फीडर होते हैं। इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से क्वेश्चन बनाते हैं, कोई लोफोट्राइकस कहता है, कोई सिफाइलोट्राइकस कहता है, तो यहाँ पर सिफाइलोट्राइकस दिया नहीं है, इसलिए आप ये समझ लीजिए बैक्टीरिया है, इसके एक एंड पर मेनी फ्लैजेला है, तो आप इसको आप लोफोट्राइकस कहिएगा, एक एंड की बात कर रहा है। मोनोट्राइकस का मतलब एक फ्लैजेला, एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों एंड पर एक एक फ्लैजेला, प्लेईट्राइकस का मतलब पूरी बॉडी में फ्लैजेला होगा, तो यहाँ पर सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी लोफोट्राइकस, ठीक है। इन ट्राइसोमिक द प्लॉयड क्रोमोसोम, आप ट्राइसोमिक को जानते ही हैं, उस दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, 2N+1 ट्राइसोमिक होते हैं।
पाइला, देखिए पाइला हमने पढ़ाया, वीडियो आपने देखा है, वहाँ पे मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ राडुला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 2, 1, 1, 1, 2, 7 होते हैं, इस तरह से होते हैं। मॉसेस एंड फर्न प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो विद इन। अब आप सोचिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइटा, फर्न का मतलब टेडोफाइट्स, इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आर्चिगोनियम में होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम में हो रहा है तो इसके बाद वहाँ पर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी वहीं पर होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आर्चिगोनियम। तो 70 का यहाँ पर डी आंसर होगा, ये आर्चिगोनियम। 71, एलोवियल सॉइल इज ए टाइप ऑफ, यहाँ पर देखिए ये बी होगा, क्लासिफिकेशन करके मैंने बताया भी है, एजोनल सॉइल, ये एलोवियल सॉइल की बात है, एजोनल सॉइल कई क्लासिफाइड किए गए हैं। फिर इसके बाद 72 में कहा है जनरल लाइफ साइकिल हैज द सीक्वेंस, यहाँ पर 1N, फिर मियासिस, हैप्लॉयड में कभी मियासिस नहीं होता इसलिए गलत हो जाएगा, 2N तब जा करके उसमें मियासिस हो रहा है, ये तो हाँ डिप्लॉयड में मियासिस होता है, फिर इसके बाद हैप्लॉयड बनेगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ 2N बॉडी बन रही है, यहाँ तक तो सही है, बाकी यहाँ पे और ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए 72 में हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि बी सही होगा। आप द फॉलोइंग हु चैलेंज दी लैमार्क थ्योरी, लैमार्क थ्योरी को चैलेंज करने वाला बहुत फेमस हैं भाई ये बीजमान, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बीजमान। फिर 74 को अगर हम देखें, लोडिक्यूल, ये मैंने कहा था कि ग्रेमिनी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं, किससे डेवलप होते हैं, पेरियंथ से, इसलिए 74 का डी यहाँ हो जाएगा पेरियंथ। 75 को हम देखें, रोपेलियम, फिर से क्वेश्चन ये पूछ दिया, रोपेलियम ऑफ आरेलिया इज आल्सो कॉल्ड एज, आप वीडियो देखिएगा टेंटाकुलोसिस्ट, ठीक है, उसमें पड़ा हुआ है, ये बी हो जाएगा टेंटाकुलोसिस्ट, फिगर सहित बताया गया है। 76 की हम बात करें, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड, परसों मैंने जो वीडियो बनाया था ब्रायोफाइटा पर, तो वहाँ पे मैंने राइजोइड्स को लेकर के डिस्कस किया था कि ब्रायोसीडा के मेंबर जैसे फ्यूनेरिया है, ठीक है, वहाँ पर केवल मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा, जिसको हम कहेंगे फ्यूनेरिया। फिर 77 में ये है, द एलील्स ऑफ द जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर्स, यहाँ पर देखिए इसका 77 का जो ऑप्शन है वो सी होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अस�ंटमेंट। फिर 78 को अगर हम देखें, बैक्टीरियोफेज वायरस डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ड एंड डी हेरेले, यहाँ पर बी होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्वार्ड एंड डी हेरेले, ये है, जानते हैं सब, इसलिए इस पर बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, क्या नहीं करता, स्लो हार्ट बीट स्लो करता है, ये सही है। कॉन्ट्रिक्शन ब्रैंकियोल्स, स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रीशन, यहाँ पर देखिए सलाइवा लार के सिक्रीशन, लार का जो सिक्रीशन होता है वो स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक और स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट,
पेस्टाल्जी मूवमेंट को भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रेंकियोल, ऑप्शन हो जाएगा 79 बी। फिर 80 को देख लें हम लोग, मेडुलरी बंडल, ये तो यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने जब स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पे मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से इसको डिस्कस किया था। मेडुलरी बंडल आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट एक्सेप्ट, तो मिराबिलिस में भी पाया जाता है, बोगनविलिया में भी पाया जाता है, एमरेंथस में भी पाया जाता है, यहाँ पर डी हो गया निक्टेन्थस। एकाइरेंथस में है लेकिन निक्टेन्थस में नहीं है। फिर 81 की हम बात करें, द स्पर्मेटोजॉइड ऑफ साइकस, अब देखिए साइकस का जो स्पर्मेटोजॉइड का मतलब स्पर्म टॉप शेप्ड होता है और मल्टीसीलिएटेड होता है, ऑप्शन नंबर ए, तो टॉप शेप्ड एंड मल्टीसीलिएटेड, पूरा नहीं लिख रहे हैं इतने से आप समझ जाएंगे। 82 की बात करें, द पेक्टिन ऑफ कोलंबा इज डिराइव्ड सी एस्क्लेरा। 83 की बात करें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने डाउट में रखा है, 83 को बहुत क्लोज रिलेशन है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी इज, लेमिएसी का इन्फ्लोरेसेंस, देखिए वहाँ पर मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट के रूप में बताया था 84 के बारे में, देखेंगे कि जो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी होती है उसमें वर्टिस इलास्टर होता है, लेकिन जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मैं बता रहा था तो ये जो वर्टिस इलास्टर है स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और वो डाइकेजियल साइन के मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये सी लगाएंगे, बोथ ये ऑप्शन होना चाहिए ये, ठीक है। आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे अगर बोथ सी मानता है तो वर्टिस इलास्टर को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी हो सकता है। 85, द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर 86 को देखें, लार्वा के बाद द हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर ड्यूरिंग फ्लाइट डीज, ये कह रहा है घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलक में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ानावधि में, ये कह रहा है डू नॉट बीट, जब ये उड़ते हैं तो ये बीट नहीं करता है, बीट एट सेम रेट एज फोर विंग, मतलब जो आगे का पंख होता है उसके बराबर करता है पश्च विंग एस, फिर बीट फास्टर देन फोर विंग, फिर बीट स्लोअर देन फोर विंग, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, बीट फास्टर देन फोर विंग, ठीक है। तो एक सेकंड में 200 बार बीट यहाँ बीटिंग होती है, बीटिंग फ्लाइंग जब मक्खी उड़ती है, तो वैसे छोटा भी होता है। द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल, 87 को जरा देखें, एंजियोस्पर्म की ये बात कर रहा है, एम्ब्रियो सैक बाउंडेड बाय द वॉल, एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाएगा, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, तो मेगा स्पोरेंजियम में पाया जाएगा, इसलिए मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, सी मेगा स्पोरेंजियम, इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जनरली 8 न्यूक्लिएटेड होता है जो कि आप जानते हैं। फिर यहाँ पे देव वीरियान, एक वायरॉइड होता है, एक प्रियान होता है, एक वीरियान होता है, वीरियान का है क्रिस्टल फार्म ऑफ दी, ये देखिए क्रिस्टल फार्म ऑफ दी वायरस, इसलिए न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूक्लियोकैप्सिड। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, देखिए जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं और थायरॉक्सिन जो होता है यही सरफेस पर इसके रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी सबके पाए जाते हैं,
तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर कैसा है, ये एक प्रकार का स्टीरॉयड हार्मोन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन। फिर 90 को हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब ये होता है फंक्शन लगभग सेम होता है और वर्जिन जो होती है वो अलग अलग होती है। तो स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, और पोटैटो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। थार्ना बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा दोनों जो है एक्जिलरी बर्ड से मॉडिफाइड होते हैं, सेम ओरिजिन होती है, अर्थात बी नहीं होगा। जब बी नहीं होगा तो बोथ नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाना चाहिए, ये होगा 90। 91 को हम देखें, ब्रांचेज कोनिडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बात मैंने बताया है, पेनिसिलियम में पाया जाता है। डिस्कस मैंने किया है। 92, पैरामिसिन इज प्रोड्यूस बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामिसियम। पीछे वाले एग्जाम में जो 31 तारीख को आपने किया था वहां पे डायरेक्ट ये पूछा था कौन सा एक्टिव नहीं होता है, और यहां पर अब आप पूछिए कौन एक्टिव होता है, एक्टिव होता है कप्पा, उससे पैरामिसिन ये निकलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, ये कप्पा। 92, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। एक सेल से दूसरे सेल में वाटर जो ट्रांसलोकेशन होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डीपीडी सी। विच इज द डेंटल फार्मूला ऑफ द रैबिट, ये भी होगा 94, ये भी आप जानते हैं, ये सी हो जाएगा 2033/1023, ये आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन द रीनल मेडुला, मेडुला रीजन में, ठीक है, रीनल मेडुला 95। तो यहाँ पर देखिए, वैसे डायरेक्ट आप जान लीजिए लूप ऑफ हेलने ही मेडुला रीजन में पाया जाता है, डी हेनले लूप। 96 को देखें, द टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इज नेरियम स्पीसीज, ये हो सकता था कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहा हो, एक मिनट। 95 का हमने 95 देखिए, 95 का सी और 96 का डी। नब्बे 91 92 93 देखिएगा कहीं पे हो सकता है मिस्टेक हो गया, 93 का डीपीडी हमने लिखा है, अच्छा 94 मुझसे मिस हो गया है, एक मिनट, ठीक है 95 का सी 96 का डी और 94 ये 95 है, ये 95 है, 94 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 94 यहाँ पे है। फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, ये आप जानते हैं, इसका डी हो जाएगा, ओवरी नहीं पाई जाती है यहाँ पे, ओवरी एब्सेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे 97 कर दे रहे हैं, इसमें कहा है कि द टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इन नेरियम, नेरियम के लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो 97 का डी होगा, होरली अरेंजमेंट। 98, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट आर्डर, कहते ही हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा सटीक क्या हो जाएगा, फूड चेन।
99 इन कॉकरोच द इंडो स्केल्टन टेंटोरियम, देखिए आपको याद होगा तो मैंने इस पर डिस्कस किया था, ये हेड रीजन में पाया जाता है, ये टेंटोरियम 100 को अगर हम देखें, इन यूकेरियोट सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल इन रेफरेंस टू एस, तो देखिए ये तो बहुत कॉमन बात है, जानते हैं यूकेरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट जो पाया जाता है वो सीलिया और फ्लैजेला दोनों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी बोथ होगा। 101 मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये जानते ही हैं आपने, मोनेरा, किंगडम मोनेरा में पूरा आपने इसको डिस्कस किया है, ये हो जाएगा मेथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया है, डी हो जाएगा। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डी होगा। 100 ऑफ पक्सिनिया दैट कॉज एलो रस्ट ऑफ वीट, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने तीनों स्पीसीज में लिखाया था, यहाँ पर हो जाएगा पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस हो जाएगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। फिर 105 को अगर हम देखें, ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग टू विच क्लास, ए फाइटो मैस्टिगोफोरा, एक सौ छः को देख लीजिए, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने बताया था फैमिली डिस्कस करते समय, ऑब्लिक प्लेसेंटा ओबरी, तो इतने से ही एक्सियल प्लेसेंटा ऑब्लिक जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, सोलनेसी टमाटर वाली फैमिली में, आंसर सी हो जाएगा, सोलनेसी टमाटर को आप काटिए तो आप देखेंगे ऐसे फूला हुआ ये ऐसे रहता है, ये तिरछा रहता है, बीच में ऐसे रहता है, यहाँ से यहाँ सीड लगे होते हैं, तो ये ऑब्लिक हो गया। फिर 107 को कहा है, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच स्टार्ट द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, अब डार्विन से रिलेटेड हैं तो ये तो आप तुरंत जान गए होंगे, 107 वायलेस हो जाएगा, यहाँ पर बी वायलेस। ये फिर 108 को हम देखें, द फॉर्मेशन ऑफ गोनट्स इन हाइड्रा इन स्टिमुलेटेड बाई गोनट, देखिए गोनट्स का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, भोजन पानी की कमी ये सब जब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अच्छा ये ऑप्शन है बी अनफेवरेबल कंडीशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। 109 को देखें आप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर करेक्टराइज्ड बाई, सारे करेक्टर्स आप जानते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टीकोइक एसिड पाया जाता है, ये जानते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन द सेल वॉल, चूँकि सेल वॉल कैसी होती है थिक होगी इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन ज़्यादा है, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, ये भी सही है, लिपिड की मात्रा कम होती है, एमिनो एसिड की मात्रा भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सटीक ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द एबव। विच इज ए बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसाइट, देखिए बहुत अच्छा, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट के बारे में मैंने बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, और बाइस्पोरिक के बारे में पूछा है 110, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट, तो यहाँ पर ये देखिए ये सी होगा, एलियम, दो प्रकार के मतलब एलियन और इंडिमियन, इंडिमियन भी बाइस्पोरिक होता है, एलियम भी बाइस्पोरिक होता है।
पॉलीगोनम क्या है, आप ये जान लीजिए, पॉली मोनोस्पोरिक का है, आइनोथेरा मोनोस्पोरिक, एडाक्सा टेट्रास्पोरिक है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे कहा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज, तो यहाँ पर बहुत सटीक जो हमें ऑप्शन लग रहा है ये है स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, क्योंकि जो सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रक्चरल में, तो इसलिए यहाँ पर बी हो जाएगा स्ट्रक्चरल। 112 को देखें, इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन पढ़ाते समय ही मैंने बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैरियोफिलेसी प्रूमुलेसी मैंने दो एग्जांपल बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत अच्छा फ्री सेंट्रल। फिर 113 को देखें, 113 को थोड़ा सा मैं यहाँ पर द पार्शियल आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज, तो यहाँ पर इसको डी हम देख लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे, सस्पेंस में रख दे रहे हैं इसको। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट एस्कैरिस 114, यहाँ पर सी हो जाएगा एक, मोनार्चिक होता है आप जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे 115 की बात कर रहे हैं हम, 115 की बात कर रहे हैं, ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हाँ सही है, NAA का काम होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, बिल्कुल सही है सीडलेस होते हैं। वनली जिब्रेलिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक, जिब्रेलिन भी पार्थेनोकार्पिक का काम करता है, लेकिन ये वनली कह दिया है इसलिए यहीं पर ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा, नॉट करेक्ट है, पार्थेनोकार्पी इसका फर्टिलाइजेशन मतलब अनिषेक फलन में निषेचन नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ज़्यादा सही इसमें ऑप्शन है 115 का सी। ऑफ द बेस ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योक इज डिस्ट्रीब्यूशन द योक ऑफ द फ्रॉग, तो आप ये देखिए 116 का यहाँ पर सी होगा, मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। फिर 117 को हम देखें, फेरिटीमा में देखिए उस दिन मैं सेगमेंटेशन के बारे में बताया था, तो वहाँ पर सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में बताया था, सेप्टल नेफ्रिडिया 14-15 सेगमेंट अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सौ अट्ठारह को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में क्या गलत है, दे आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं ये, देयर स्पोर्ट्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, स्पोर्ट्स जब जर्मिनेट करेंगे तो गैमिटोफाइट बनाते हैं, ये सही है, जाइगोट अंडरगोज मियासिस डिवीजन, गलत है, यहाँ पर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है चूँकि स्पोरोफाइट बनना होता है, दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, ये भी सही है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 119 को देखें हम, दी डॉट डॉट है पक्सिनिया ग्रैमिनस इज फॉर्म्ड ऑन वीट, वीट पर कौन सा स्पोर बनता है, तो ये बी बनेगा यहाँ पे, यूरोडो स्पोर, ये यूरोडो और टेल्टो स्पोर्ट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ये जानते रहिएगा। 120 का ये देखिए, ये मैंने बार बार कई बार मैंने इम्पोर्टेंट कराया था ये, और अब जा कर के ये पहली बार यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने बताया था कि मिथियोनिन अगर नहीं होगा चैन इनिशिएटर के रूप में तो आप वैलिन को वहाँ पर GUG को लगा दीजिएगा, और यहाँ पर वही बात पूछ दिया है, ये हो गया GUG। एक सौ इक्कीस साइकान में कौन सा कैनाल सिस्टम होता है, तो आप जानते हैं साइकान ही होता है बी। 122 को देखें, इन एम्ब्रियोसाइट फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिनर्जिड सेल में पाया जाता है, यहाँ पर डी हो जाएगा,
सिनर्जिड सेल्स में फिलीफार्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी फिलीफार्म कहा जाता है। फिर 123 को देखें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, इसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। ए होगा रोटा वायरस। फिर 124 को देखें, थ्योरी ऑफ वर्जिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये मैंने बताया था कि वर्जिन ऑफ लाइफ कहा जाएगा, ओपेरिन वाली बात भी कही जा सकती है, या वर्जिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन कहा जाएगा, तो चार्ल्स डार्विन को ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब इस तरह से 125 को हम अगर देखें तो यहाँ पर तो देखते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पर रोनाल्ड रॉस हो जाएगा और ऑप्शन ए होगा 125 का। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज ए को डिस्कस किया, सीरीज ए को डिस्कस किया। पेपर को देख करके एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि 31 तारीख को आपने जो पेपर दिया था, अगर उस पेपर को देख लीजिए, इस पेपर को देख लीजिए, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, जिस चैप्टर को वहाँ पे उठाया था उसी चैप्टर को, जिस प्लांट को वहाँ पे उठाया था उसी प्लांट को, केवल दूसरा क्वेश्चन बदल दिया है। अर्थात मुझे तो ये लगता है कि पेपर सेटर 31 जुलाई का और ये 7 अगस्त का दोनों एक था। अगर उसने सिलेजिनेला पूछा है, राइजोफोर पूछा है, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, और इसी तरह से जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा ये कर दिया है, उसी चैप्टर से उसी टॉपिक से केवल दो अलग अलग क्वेश्चन जैसे बना दिया गया होगा, ये मेरा मानना है, ज़्यादातर यही किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत अच्छा पेपर किए होंगे, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप सेलेक्ट हों, मैं आपसे मैं कामना करता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक हुए होंगे, तो वो फिर से कमेंट में हम बाद में दे देंगे। ये हो सकता है एक दो क्वेश्चन यहाँ पर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।